वेलकम गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर कंसिस्टेंट टॉपिक फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है एक टाइम पे आने के बाद कि मुझे टॉपिक कहाँ से जनरेट करना है, किस प्रकार के टॉपिक और टाइटल पे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल लिखने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ पब्लिश कर चुका हूँ ब्लॉग पोस्ट पर लिखने के लिए। अगर आप जाएंगे तो इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो आपको आर्टिकल लिखने के सही स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, मालूम चलेगा। ठीक है, अमेजॉन अफिलिएट की भी आर्टिकल लिखते हो तो भी आप कैसे सही तरह से आर्टिकल के लिए टॉपिक फाइंड करेंगे, कीवर्ड फाइंड करेंगे, और जो अनलिमिटेड होगा और आप उस पर बहुत ही अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और भर भर के ट्रैफिक ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप एडसेंस से अच्छी अर्निंग करने के साथ साथ अमेजॉन से भी बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अमेजॉन अफिलिएट की वेबसाइट है, ठीक है, अमेजॉन अफिलिएट की वेबसाइट है, तो भाई आप किस प्रकार से, चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने जिस प्रकार जो भी आर्टिकल देखा सारा हमारा भी हाउ टू करके गाइड था, तो मतलब गाइड टाइप पे आर्टिकल थी, और यहाँ भी आप आर्टिकल गाइड टाइप के ही या इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल ही लिखोगे जो कि ट्रेंडिंग पे चलती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अमेजॉन अफिलिएट के लिए टारगेट करना चाहते हो तो आपको किस प्रकार के कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार के टॉपिक टारगेट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक रैंडमली किसी भी कीवर्ड को अगर मैं ओपन इन कर लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स स्क्रीन प्रोटेक्टर, ठीक है, अब देखिए एक तो खुद ब खुद में ये इतनी लंबी चौड़ी कीवर्ड है जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इससे बड़ी चीज़ें जैसे कि प्रोटेक्टर तो है लेकिन ब्लू लाइट के साथ ही चाहिए इनको। ठीक है, तो बिल्कुल ये नैरो ऑडियंस हो गई, और ऐसी ऑडियंस इस प्रकार के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदती है जो बिल्कुल नैरो टारगेट के साथ होती है कि भाई मुझे उस प्रकार की स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है आईफोन 15 प्रो मैक्स स्क्रीन प्रोटेक्टर ब्लू लाइट, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर हमें सजेस्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिख रही है जो अलग अलग प्राइस के हिसाब से अलग अलग रेटिंग यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रेटिंग है, कुछ प्रोडक्ट की कम रेटिंग है, तो ये भी आपको दिख रही है। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सारे फिल्टर को छोड़ने के बाद आपने बेस्ट सेलर पर क्लिक करना है। ऐसे प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है जो बेस्ट सेलर में हो, कौन से प्रोडक्ट, जो आईफोन 15 प्रो मैक्स प्रोडक्ट ब्लू लाइट के साथ ही हो, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट अगर हमें नहीं दिख रही है तो ब्लू लाइट को हटा देंगे। ठीक है, थोड़ी टारगेटिंग इसको कम कर देंगे, थोड़ा कम लॉन्ग टेल कीवर्ड हम टारगेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि बेस्ट सेलर में हमें यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। आपको ओवरऑल क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस प्रकार से लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस प्रकार से हमें यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार हम लोग चलते हैं फिर से वापस से इस पर बेस्ट सेलर पर और देखते हैं कि बेस्ट सेलर पर हमें यहाँ पर किस प्रकार की प्रोडक्ट यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी प्रोडक्ट देखेगी सबकी रेटिंग ठीक देखिए, देखिए इतने सारे रेटिंग वगैरह हैं, तो यहाँ से किसी प्रकार के देखिए ये प्राइस अभी बहुत लो है क्योंकि ये गार्ड है भी, ठीक है, प्रोटेक्टर है, स्किन प्रोटेक्टर है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया, उसके अलावा अगर आपकी जो भी निश होगी उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, हमेशा थोड़ी सी टारगेट करिए कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस अगर $20-25 से ऊपर है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब ज़्यादा अच्छी सेल ज़्यादा प्राइस की सेल करेंगे तभी तो आपको ज़्यादा अर्निंग मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे मालूम चला कि हाँ इसकी रेटिंग ठीक है, ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, तो उसके टाइटल को हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ हो, कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, कौन से वर्ड्स मिलकर कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो मुझे लगा ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर आईफोन 15 प्लस की एक कीवर्ड हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको गूगल में सर्च करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड में कितने प्रकार के पोस्ट वगैरह रैंक कर रही है। तो अब देखिए इतने सारे कीवर्ड, इतने सारे आपको रिजल्ट दिख रही है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, किस किस प्रकार के पेजेस वगैरह रैंक कर रही है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो भी पेजेस वगैरह दिख रही है मेरे हिसाब से सारा का सारा हाई अथॉरिटी साइट ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑल इन टाइटल करके देख लेते हैं कि एग्जैक्ट इसी टाइटल में कितने पोस्ट दिख रही हैं। अगर आप यहाँ पे ऑल इन टाइटल करते हैं तो आपको दिखता है कि 1030 पोस्ट है, लेकिन जैसे आप नीचे आते हैं तो लगभग 2-3 पेज के बाद ये रिजल्ट खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 20-25 रिजल्ट ही है। तो इस हिसाब से आपको टारगेटिंग फाइंड करना है, देखना है कि कौन से टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, इस तरह करके आप अमेजोन की कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं।